गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी इंक्रीजिंग इन एन ओपन इंटरवल आई इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स टू फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आई। मतलब कि कोई फंक्शन एफ एक्स है हमारे पास, वो इंक्रीजिंग कब होगा कोई इंटरवल में, जैसे ओपन इंटरवल कोई आई दिया हुआ है हमें, उसमें वो इंक्रीजिंग कब होगा अगर हम कोई टू पॉइंट्स ले लें इस इंटरवल में से। मान लो एक्स वन एक्स टू हमने कोई टू पॉइंट्स लिए हैं इंटरवल में से। अगर एक्स वन एक्स टू से छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे भी क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स टू होगी, तब बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी को हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, इज सेट टू बी इंक्रीजिंग एन ओपन इंटरवल, इंटरवल हमने ले लिया ए बी। सो ये a है ये b है। अब ये देखो, ये ग्राफ देखो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे। ये इंक्रीज कर रहा है मतलब एक्स वन और एक्स टू टू पॉइंट्स ले लिए जो इस इंटरवल को बिलोंग करते हैं, और उस पे ये हो जाएगा अगर एक्स वन पुट करेंगे इसमें तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स वन, अगर x2 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ एक्स टू। क्लियरली यहाँ पे x1 क्या है, x2 से छोटा है, और फंक्शन की वैल्यू देखो यहाँ पे ये एफ एक्स वन है ये एफ एक्स टू है। क्लियरली एफ एक्स वन भी क्या है, एफ एक्स टू से छोटा है। एफ एक्स फॉर एक्स वेन एवर एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, फिर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए बी। और अगर यहाँ देखो इसमें एक्स वन एक्स टू क्या है, एक्स वन एक्स टू लेस देन है when x1 is less than x2 है, बट फंक्शन की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है। तो यहां से क्या आ गया लेस देन, यहां से क्या आ गई इक्वालिटी। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन दोनों को कंबाइन करेंगे तो लेस देन इक्वल टू फॉर एवरी एक्स वन इज वेन एक्स वन लेस टू फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये देखो अगर ये लेस देन है तो यहाँ पे भी लेस देन होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा, तब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जब स्ट्रिक्टली वर्ड आ जाए तब यहाँ पे क्या होगा, इक्वालिटी नहीं होगी। वेन एक्स वन एक्स टू, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन ही होगी, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी। डिक्रीजिंग फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डिक्रीजिंग इन एन ओपन इंटरवल आई इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स टू। ये देखो इंक्रीजिंग में यहाँ देखो दोनों सेम साइन है, कि जो साइन यहाँ पे लिए थे वही फंक्शन के, फंक्शन में भी साइन वही है, चेंज नहीं हुए। बट वेन साइन चेंज हो जाता है, ये देखो यहाँ एक्स वन क्या है, लेस देन एक्स टू है, बट फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स वन की ग्रेटर देन हो जाएगी एफ एक्स टू से, तब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ये हमने ले लिया, ये देखो ये डाउनवर्ड जा रहा है। वेन एक्स वन देखो क्लियरली एक्स वन एक्स टू से छोटा है, और फंक्शन की वैल्यू देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, एक्स वन एक्स टू से क्या है छोटा, बट फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे साइन चेंज हो गया, तो दिस इम्प्लाइज इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली में वही बाकी सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या, इक्वालिटी नहीं आएगी। इसी को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब एफ एक्स कोई फंक्शन ले लिया साइन एक्स, और उसका ग्राफ देखो ऐसे जाता है। सो अगर हम देखें कि जीरो टू पाई बाय टू, ये ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और पाई बाय टू से पाई में ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो जो साइन एक्स है इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम व्हेन इंटरवल इज जीरो टू पाई बाय टू, एंड इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन इंटरवल इज पाई बाय टू टू पाई। फिर यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे भी डिक्रीज, पाई टू थ्री पाई बाय टू भी वो डिक्रीजिंग होगा, फिर यहाँ से इंक्रीज करना शुरू हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है ऐसे ही। तो ये साइन एक्स को एग्जैक्ट पूरा साइन एक्स, जैसे जीरो टू पाई बाय टू में क्या है, इंक्रीजिंग, पाई बाय टू से पाई तक क्या है, डिक्रीजिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन इज
लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी. एक कोई फंक्शन है एफ, वो कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी. देन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब उसका डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. एंड इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब? जब डेरिवेटिव क्या होगा उसका? नेगेटिव फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी. एफ इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एस इज इक्वल टू जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी. सो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस कल करेंगे. थैंक यू.